वेलकम टू माई चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो हम आप लोगों के लिए आ गए भाई ये मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 रोम लीग का JJB वर्सेस RCCC के बीच 1 घंटे 47 मिनट बाद। बात करूँ भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है AB Rocks ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं। अल्ट्रा विनिंग कर सकते हो आप मेरे साथ जुड़कर जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी यार आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आप सारे लोग जानते हो यूरोपियन टी10 रोम एक नई लीग स्टार्ट हुई है एंड पूरा बैटिंग ऑर्डर हमारे पास है, पुराने से पुराना स्टेटस इनका हमारे पास मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको सबसे एक मेन बात समझाना चाहता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर इस मैच में सबसे मेन बात आती है बैटिंग ऑर्डर की। अगर आपको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता तो आप पक्का हारोगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किसने ओपनर आना है किसने वन डाउन आना है तो इसमें आपकी हारने के चांसेस 50% होते हैं। तो अगर आपको जीतना है तो मेरा बैटिंग ऑर्डर सुनो और आप भी एक टीम तैयार कर सकते हैं ग्रैंड लीग्स की एंड मेरी टीम भी लगा सकते हैं। बात करूँ विकेट कीपर की तो रकीला, जो कि मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा, ये अपनी टीम से आज ओपनर आने वाला है। रकीला RCCC का जो मेरे सुनने में आया कि ये ओपनर आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये ओपनर आएगा या नहीं, क्योंकि ये प्लेयर है थोड़ा रिस्की टाइप का। ये बहुत कम खेलता है, मतलब लाइनअप्स में काफ़ी कम होता है, लेकिन मगर जितने भी मैचेस खेला है उसमें स्टेटस काफ़ी बढ़िया दिया बंदे ने। आपको पता है यूरोपियन टी10 में 1 हफ्ता मैचेस चलते हैं जिसमें कि भाइयों एक प्लेयर 10 से 15 मैच खेल सकता है मैक्सिमम, उसके बाद इनका स्टेटस बनता है 150 मैचेस का। 100-150 मैचेस में कितने रन खेले, क्या स्ट्राइक रेट, क्या इकोनॉमी रेट। तो रकीला का स्ट्राइक रेट अच्छा है, चाहे तो आज चल सकता है, लेकिन इतना एवरेज प्लेयर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। आगे से बात करूँ एन अहमद भाइयों टॉप का बैट्समैन है, लेकिन आपको बता दूँ इसकी बैटिंग ऑर्डरिंग अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि एन अहमद मैं मानता हूँ प्लेयर बहुत अच्छा है, सेफ प्लेयर है, 86% सिलेक्शन है। अगर एक कैच भी पकड़ेगा वो भी हमें प्रॉफिट देके जाएगी। बात करूँ बैट्समैन की तो रहमान अपनी टीम से आज ओपनर आने वाला है, ध्यान से सुन लो, और ये अपनी टीम से आज ओपनिंग करेगा भाइयों रहमान। और भाइयों आपको बता दूं अगर ये बंदा ओपनिंग में आपको बता दूं बॉलिंग भी करता है, रहमान इतना ज़बरदस्त प्लेयर है कि हम सोच भी नहीं सकते। चाहे तो आज के मैच में भाइयों हाफ सेंचुरी का ये बंदा तो सेंचुरी मारने की भी हिम्मत रखता है। अहमद की बात करूँ ये अपनी टीम से वन डाउन आता है, मीन्स एक विकेट ढूंढने के बाद। तो भाइयों हमें ऐसे प्लेयर्स लेने चाहिए जो कि भाइयों काफ़ी जल्दी बैटिंग पे आएँ, और ये दोनों टॉप ऑर्डर के अपनी टीम के बैट्समैन हैं। आगे से बात करूँ डी क्रिबी की, ये अपनी टीम से वन डाउन आएगा, क्योंकि दो टीम्स हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर आप चाहो तो एक विकेट कीपर को ड्रॉप करके यहाँ से ए अली को चुन सकते हो, बैटिंग अच्छी है लेकिन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है तो मैंने ड्रॉप कर दिया, बाकी और कोई इतना मुझे खास लगा नहीं। बाकी लाइनअप्स आने के बाद कुछ चेंजेस होते हैं बैटिंग ऑर्डर में तो बता दूंगा। बात करूँ ऑलराउंडर की तो जैद अबीन उल ओपनर आएगा इस प्लेयर के साथ, रहमान के साथ और जैद अबीन उल, ये दोनों ओपनर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, सिलेक्शन काफ़ी कम है, मौके पे चौका मारो भाइयों। फिर कह रहा हूँ इस प्लेयर को ग्रैंड लीग में ऐसा वाइस कैप्टन ट्राई करो या फिर ऐसा कैप्टन, क्योंकि सारी जनता डब्ल्यू अहमद के साथ जाएगी, लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश करो। कोई फ़ायदा नहीं है डब्ल्यू अहमद को लेके, कितनी विकेट्स ले जाएगा, 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 मान लो, चलो 101 पॉइंट हो गए। लेकिन जब जैद अबीन ओपनर आएगा, और मैं कहता हूँ अगर ये 0 पे भी उड़ जाता है मान लो चलो, लेकिन ये बंदा 2 ओवर बॉलिंग डालता है उसमें भी आपको फ़ायदा देके जाएगा, और इस बंदा एक्सपर्ट है भाइयों, टॉप ऑर्डर में इसका नाम है। आगे से बात करूँ आर वज्राला की तो बॉलिंग में इतनी दम है भाइयों कि बैट्समैन टिकता नहीं है, मतलब बॉल बैट्समैन टिकता ही नहीं है, इतनी बढ़िया बॉलिंग करता है। और आगे से बात करूँ यहाँ से उनका KKukrejela को, ये भी प्लेयर के बारे में बहुत बढ़िया स्टेटस है। बाकी और इतने कुछ खास नहीं है, चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो SAntone को अगर ये खेला दो ग्रैंड लीग में, और कोई इतना खास मुझे लगे ही नहीं। बाकी JA Bedin भी बढ़िया है, इसने भी काफ़ी सीरीज खेली है T20 की। बात करूँ बॉलर की तो एम यसीन की बॉलिंग किया है, देखो खास तो नहीं है, देखो अगर मैं सच बोलूँ 1-2 विकेट लगता है मैक्सिमम। बात करूँ H7 की तो H7 तो भाइयों हमजा साथ, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, प्लेयर अच्छा है, बाकी देखेंगे आज क्या करता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बॉलिंग साइड में हम ऐसे अपने मन से नहीं बोल सकते। और आगे से आपको एक प्लेयर मिलता है मोहम्मद बिलाल को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बॉलिंग में काफ़ी बढ़िया है, चाहो तो इसको ड्रॉप करके ले सकते हो। लेकिन M Moratini बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ज़्यादा। आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन में रहेगा रहमान और वाइस कैप्टन KKukle वाला, जो कि मैं आपको बताऊं कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये रही मेरी टीम। तो मैं तो भाई मेरे जो आज गोल्डन प्लेयर्स हैं वो है रकीला एंड जैद अबीन उल, दोनों बहुत बढ़िया चलने वाले हैं आज के मैच में। बाकी मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।